लक्ष्मी पांचाल, स्वागत करती हूँ आपका एपी 100 टीवी लाइव, आपका प्रदेश आपकी आवाज पे। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की। यातायात पुलिस कर्मी ने फांसी लगा कर दी अपनी जान। हरदोई शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक सिपाही के पुलिस बूथ के अंदर फांसी पर लटकने की जानकारी महकमे के लोगों को मिली। आनन फानन में आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद एसपी राजेश द्विवेदी, एएसपी पूर्वी नृपेंद्र मौके पर पहुंच गए। सिपाही के शव को फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताते चले कि सोल्जर बोर्ड चौराहे के पुलिस बूथ में सुबह जब ड्यूटी करने के लिए गए पुलिस कर्मियों ने देखा कि एक पुलिस कर्मी का शव बूथ के अंदर फांसी पर लटक रहा है। आनन फानन में सूचना एसपी राजेश द्विवेदी को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने सिपाही के शव को फंदे से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। एसपी ने बताया कि सिपाही देवरिया जिले का रहने वाला है और उसका नाम अशोक कुमार यादव है, जो कि यातायात पुलिस हरदोई में TU तैनात था। बकौल एसपी श्री द्विवेदी, सिपाही ने किस कारण से आत्महत्या की है इसकी जानकारी की ली जा रही है, इसकी जानकारी के लिए जांच की जा रही है और सिपाही के परिजनों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। पवन गुप्ता, हरदोई से बड़ी रिपोर्ट। फांसी लगने का प्रकरण आया है, कहां पर फांसी लगाई गई है और क्या पूरा मामला और किस व्यक्ति ने फांसी लगाई है? ये हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल था अशोक कुमार यादव और ट्रैफिक में ही इसकी ड्यूटी थी। अब किन्हीं कारणों से उसने पुलिस बूथ में इस टाइम डिसाइड कर लिया फांसी लगा कर, अभी तक कोई कारणों का पता नहीं चला है। इसकी पड़ताल की जा रही है, घर वालों से बात की जा रही है और जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं देख रहे हैं किन कारणों से ऐसा हुआ है, कहाँ का रहने वाला है, क्या जानकारी है। ये अभी तक तो यही मालूम पड़ा है देवरिया का है ये, और जहाँ अकेले रहता था इसके आवाज़ को भी देखा जा रहा है, पता चल सके जो भी उसके फ्रेंड्स हैं या सब जो ड्यूटी के साथ में उनसे बात की जा रही है।